हे गाइस, हम आज आपका स्वागत करते हैं आपके चैनल ETC वर्ल्ड में। आपको बताने वाले हैं, इंटर का डमी एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है, एक नया लिंक जारी कर दिया गया है, आप यहां से आके चेकआउट कर सकते हैं। यहां एक ये लिंक दिया हुआ है, कैसे क्या प्रोसीजर इस वीडियो में हम पूरा बताएंगे, स्टेप बाय स्टेप आप बिल्कुल जान पाइएगा। देखिए, यहां पे नॉर्मली जो है आपको कॉलेज का नाम सेलेक्ट करना होता है, फिर फैकल्टी आप जो है आर्ट्स साइंस क्या है वो चूज करना पड़ता है। उसके बाद आप उसका आप जो कंपार्टमेंटल्स हैं, रेगुलर्स हैं या फिर जो भी है यहाँ पे दिया हुआ है, उसका आपको अपना नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ डालना है और फिर व्यू पे क्लिक करना है और उसके बाद आप डाउनलोड कर पाइएगा। हर एक चीज़ का जो यहाँ पे एक एक कॉलम दिया हुआ है, जैसा कि देख सकते हैं आप, हर एक कॉलम दिया हुआ है, आपको बस जाके चॉइस करना है। हर एक जैसा हर एक चीज़ में दिया हुआ है, यहाँ पे हर एक चीज़ का कॉलम दिया हुआ है, उसको फिल करना है। ये कैसे करना है इस वीडियो हम क्लियर करेंगे, लास्ट एंड तक आपको बताएंगे कैसे क्या है, इसकी प्रक्रिया क्या है। आइए हम बिना कोई देरी के बताते हैं, लेकिन बताने से पहले अगर आप चैनल पहले चैनल करिए सब्सक्राइब, सबसे पहले उनको प्रेस करें इसी तरह के अपडेट के लिए। देखिए, आना आपको यहाँ पे बिहार help.in का साइट है, यहाँ आना है। यहाँ आने के बाद आपको जब नीचे कीजिएगा तो जान लीजिए सबसे पहले बिहार help का साइन, इसका लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ आना है, आने के बाद आपको देखिए यहाँ पे दिया है रिजल्ट एंड एडमिट कार्ड, यहाँ पे दिया हुआ है, सबसे ऊपर पे ही दिख रहा होगा आपको इंटर डमी एडमिट कार्ड, हाउ टू डाउनलोड इंटर डमी एडमिट कार्ड BACB 12th डमी एडमिट कार्ड। आपको इससे क्लिक कीजिएगा, ये लिंक खुल के आ जाएगा आपके पास इस तरह का, जहाँ पे कि कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, पढ़ लेंगे आपको इंटर डमी एडमिट कार्ड यहाँ पे दिया हुआ है सारा कुछ। नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पे जब आइएगा, नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पे कुछ स्टेप दिए हुए हैं कैसे कैसे करना है। देख सकते हैं यहाँ पे स्टेप बताया गया, आप इसको इस स्टेप के द्वारा भी कर सकते हैं। नॉर्मली यहाँ पे दिया हुआ डाउनलोड डमी एडमिट कार्ड, इस पर जैसे आप क्लिक कीजिएगा आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अब क्या है, यहाँ कैसे सर्च क्या किसी करना है, लेकिन नॉर्मली अगर ना आपका जो भी चीज़ है, तो मेरे पास जो है, अगर आपके पास कौन सा आप साइंस लिए हैं, आर्ट्स लिए हैं, जो भी लिए हैं, आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। क्या करते हैं, बिना कोई देरी के हम सेलेक्ट करते हैं और बताते हैं किस तरह से क्या करना है। वीडियो को लास्ट में देखिएगा तभी समझ में आएगा कैसे डाउनलोड करना है। अब देखिए यहाँ पे जो है, मुझे सबसे पहले साइंस आर्ट्स है जो आपको चॉइस कर लेना है। तो मेरे पास जो है ये जो है पड़ा हुआ है साइंस का ही, बल्कि देख लेते हैं मेरे पास कौन सा है, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग आपको हम बताते हैं। हालांकि आपके पास जो है आप उसको देख लीजिए, तो मेरे पास जो है फिलहाल जो है ये है कॉमर्स का, तो मैं कॉमर्स का ले लेता हूँ। अब यहाँ पे आप कंपार्टमेंटल हैं, रेगुलर हैं, क्या है, तो यहाँ पे रेगुलर है कैंडिडेट, आप कैंडिडेट का जो नाम है वो डाल देना है, उसके बाद आपको उसके पिता का नाम डाल देना है, उसका डेट ऑफ बर्थ हम डाल लेते हैं। तो मैंने यहाँ सारा कुछ डाल दिया है, अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पे व्यू पे क्लिक करना है। व्यू पे क्लिक कीजिएगा आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद आपको देखिए आपको बोला था कॉलेज सेलेक्ट, अब कॉलेज आपको सेलेक्ट करना, मैंने कॉलेज मिस कर दिया सेलेक्ट करने में, आपको कॉलेज पे क्लिक कर लेना है। कॉलेज पे यहाँ पे जो है, यहाँ पे कॉलेज आपका जो कॉलेज आता है वो कॉलेज का नाम आपको यहाँ पे डाल देना है, जो भी कॉलेज का नाम, जैसे कि मेरा कॉलेज ऑफ कॉमर्स है, मैं डाल देता हूँ यहाँ पे कॉलेज ऑफ कॉमर्स डालेंगे आप, या फिर आप जो है डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं, कॉलेज ऑफ कॉमर्स पटना है यहाँ का, तो मैं उसको एक बार देख लेता हूँ जो भी नाम है मेरा, तो उसको मैं सर्च कर लेंगे, थोड़ा सा सर्च कर लिया, अगर आप सर्च कर पाते हैं सर्च कर लिए, या फिर आप खोज सकते हैं बारी बारी से, तो आप वो भी खोज सकते हैं। तो मेरा ऑलरेडी मैंने सर्च कर रखा है, देखता हूँ जो कॉलेज ऑफ कॉमर्स जो मिल जाएगा वो उसको उठा लेना ऊपर से। तो कॉलेज ऑफ कॉमर्स देख लेते हैं, ये आ गया, इस पर सेलेक्ट कर लेंगे। अब जो है व्यू पे क्लिक करना है, व्यू पे जैसे क्लिक करेंगे ये जो है, अब यहाँ पे नीचे देखिए यहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे नीचे जब डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे देखिए आ चुका है नीचे में। जब आप इसको सही सही फिल कर लेते हैं तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को नीचे मिल जाएगा। आपको यहाँ पे टिक मार्क कर लेना है, यहाँ पे करने के बाद ये टिक लग जाएगा ब्लू कलर का। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ डाउनलोड एडमिट कार्ड, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा और कुछ इस तरह का देखने को मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह का देखने को मिल जाएगा और सब कुछ क्लियर क्लियर दिखेगा, आपका क्या सब्जेक्ट है, कॉड नंबर, उसके बाद आपका जो सब्जेक्ट है उसका सारा का कॉड, इधर भी आप जो भी देखिए, कॉमर्स थी कॉमर्स का था इसका, तो मैंने देखा बता दिया ऊपर पे आपका कॉलेज का नाम, आपका नाम, उसके बाद उसके पिता का नाम, उसके फादर का नाम, उसका जो आधार संख्या है वो दिखाएगा। उसके बाद जो है आपके पास जो है ये जो आप देख रहे हैं रजिस्ट्रेशन नंबर, वो रोल नंबर और रोल क्रमांक अभी नहीं दिया गया है, उसके बाद अभी वो फाइनल में आता है, ये आपका जो जेंडर है वो शो करता है। इस तरह से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। हालांकि मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया, हालांकि इस साइट का लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर चेकआउट कर सकते हैं और आसानी पूर्वक जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। किसी तरह की दिक्कत आता है आप मुझे कमेंट कर लीजिएगा, मैं आपको आसानी पूर्वक समझा दिया करूँगा और आपको वहाँ से भी हेल्प मिल सकता है। अदरवाइज आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे आके मुझे फॉलो कर सकते हैं, जिसका कि ID @GNU7, आप मुझे वहाँ भी आके बात कर सकते हैं। तो नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट में, बाय, आई लव यू।